रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में अंधाधुंध गोलीबारी से एक युवक की मौत हो गई है। दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस गोलीबारी के पीछे बालू विवाद का मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अवैध बालू उठाव को लेकर लापुंग थाना क्षेत्र में गोलीबारी की वारदात हुई, जिसमें एक युवक राजेश घायल हो गया, जबकि दूसरा संदीप गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। जानकारी के अनुसार 10 दिन पहले लापुंग के रहने वाले राजेश नदी से बालू उठाव के लिए गया था, जहां दूसरे गुट के साथ उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद हुई इस गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस कारण राजेश के परिजन यह आशंका जाहिर कर रहे हैं कि शायद बालू उठाव का विवाद ही राजेश पर भारी पड़ गया। दरअसल राजेश के साथ जो संदीप को गोली लगी है वो ट्रैक्टर चालक है। अपराधियों की ओर से 10 से 12 राउंड गोली फायरिंग की गई। राजेश को जहां 4 गोलियां लगी तो वहीं घायल संदीप को 2 गोली लगी है। मौके से पुलिस को भी 6 खोखे मिले हैं। घर बनाने के लिए बालू लाने गया था, बालू के कारण ऐसा हुआ। अगला पार्टी बालू नहीं ले जाने के लिए बोला। बालू माफिया वगैरह चलाता है और घर का छोटा वो जैसे किसान है तो मवेशी वगैरह आता है, बकरी है, गाय है, वही सब चराता है और अपना घर का भी खेती का बारी करता है। इसको 2 गोली लगा इसमें। लापुंग थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मसले में संलिप्त आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। रांची SSP ने बताया है कि मामले में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराधियों ने गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एक घायल है। अभी प्रथम दृष्टया उसके घर वाले कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं विवाद का क्या कारण है। जो जख्मी है, जब वो बोलने की स्थिति में होगा तो हम लोग को कुछ पता चलेगा। अभी कोई सूत्र नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही मामले का तह से उद्भेदन कर लिया जाएगा कि घटना का कारण क्या है, मोटिव क्या है और किसने ये घटना की है। बहरहाल बालू उठाव पर रोक के बावजूद बालू उठाव जारी है। बालू माफियाओं की ओर से गोलीबारी की बड़ी वारदात को अंजाम देना उनके बड़े मनोबल को दर्शाता है। ऐसे में पुलिस के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। रांची से News 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।